اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैरो अफियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में रमजानुल मुबारक के पहले अशरे के आखिरी तीन दिन का एक अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिस अमल की बरकत से, जिस वजीफे की बरकत से आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की नेमतों से जरूर मालामाल करेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक के पहले अशरे के आखिरी तीन दिनों का ये वजीफा है और पूरे दिन में सिर्फ तीन मरतबा ही आपने इस दुआ को पढ़ना है और तीन दिन ही पढ़ना है। यानी जब आपने वजीफा करने बैठना है तो सिर्फ तीन मरतबा ये कलीमात पढ़ने हैं और रमजानुल मुबारक के रहमतों वाले अशरे के आखिरी तीन दिन ही आपने ये वजीफा करना है और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों का हकदार ठहराना है। मुख्तसर सा अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन इनकी फजीलत और बरकात इतनी ज्यादा है कि सिर्फ तीन मरतबा ये कलीमात पढ़ने से अल्लाह की गैबी मदद फौरन आ जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दुआ को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमाता है। और जो बंदा सुबह शाम इन कलीमात को तीन तीन मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे खौफ जदा शख्स से निजात देता है, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है। इसके अलावा वो जो चीज मांगता है रब्बे करीम उसे फौरन अता करता है, क्योंकि इन कलीमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की गई है, अल्लाह की हमदो सना बयान की गई है। और याद रखें, इन कलिमात में भी अस्मा आजम मौजूद है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो भी मैं आपके साथ वज़ाइफ शेयर करती हूँ वो बाहवाला शेयर करती हूँ, उनकी फजीलत बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही मुश्किल के साथ आपके लिए वज़ाइफ ढूंढ कर और उनके मुताबिक अहदीस और फजीलत ढूंढ कर आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आप सबसे गुजारिश है की प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं कि आपने इस वजीफे को करना किस तरीके से है। आपने 8, 9 और 10 रमजानुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। अगर आप नमाज असर के बाद ये वजीफा करेंगे तो इस वजीफे की इतनी ज्यादा फजीलत होगी कि मांगने वाले की दुआ डायरेक्ट अर्शे मुअल्ला पे जाएगी और आपकी हर दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन पूरा कर देगा, आपके दिल की मुरादों को पूरा कर देगा, हाजात को पूरा करेगा, मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। इतना तीरे बहदुफ और ताकतवर ये अमल है कि इस अमल की बरकत से रब्बे करीम की रहमत जोश मारती है, रब्बे करीम की रहमत जलालत में आ जाती है और रब्बे करीम बंदे को हर वो चीज अता फरमाता है जिसकी आपको जरूरत और तलब होती है, बशर्त ये कि वो आपके हक में भी बेहतर हो और लोगों के हक में भी बेहतर हो। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजान मुबारक का मुकद्दस अशरा है ये और मुकद्दस अशरे में, रहमतों वाले अशरे के आखिरी तीन दिन आपने ये अमल करना है। इस अमल को कभी ना जाया करें, इस अमल को कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये तीन दिन इतने मुकद्दस हैं, फिर साल बाद हमें पता नहीं ये दिन मुकद्दस नसीब हो या ना हो। इससे पहले हम सबको चाहिए कि अल्लाह को राजी कर ले और अपने दिल की मुरादों को भी पूरा करवाए। याद रखें, जब आप दुनियावी मकासद के लिए अल्लाह से कामयाबी के लिए दुआ करते हैं तो आखिरत की कामयाबी
कामयाबी के लिए जरूर दुआ किया करें, क्योंकि दुनियावी कामयाबी आरजी है और हम भी इस दुनिया में आरजी हैं। जहाँ पे हमने हमेशा रहना है उस घर के लिए अल्लाह से दुआ किया करें। दुनिया में इंसान बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, जद्दोजहद करता है, घर बनाता है, लेकिन आखिरत का जो घर है उसे हमने कोई पैसा लगाकर तैयार नहीं करना, बल्कि अपने अमाल से तैयार करना है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मरने से पहले पहले अपनी आखिरत के घर को जरूर संवार लें, ताकि आखिरत में हम आराम और सुकून और इत्मीनान से रह सके। तो जब आप दुनियावी मकासद के लिए अल्लाह से दुआ करें, तो अपने आखिरत के घर को बेहतरीन बनाने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें कि मौला हमारे आखिरत के घर को बेहतर बना, हमारी कब्रों को रोशन और कुशादा फरमा। मौला जब भी हमें इस दुनिया से रुखसत हो तो मौला हमारा खातिमा बिल खैर हो, खातिमा ईमान पर हो, और जो हमारे अजीज व करीब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आखिरत को बेहतर बना के उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, और इस मुकद्दस महीने के सदके और आका अलैहि सलातु व सलाम के सदके मौला उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा, उन्हें जन्नती दस्तखान से नवाज दे, जन्नती हूरों से नवाज दे, जन्नती फलों से नवाज दे, और जन्नती लिबास से ज़ेब तन फरमा, और जन्नती ताज अता फरमा, जन्नती नूर अता फरमा। अपने अजीज व करीब के लिए रो कर अल्लाह से दुआ किया करें, क्योंकि हमारी दुआएं उनकी आखिरत को बेहतर बना के उन्हें हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब भी आप दुआ किया करें तो अपने अजीज व करीब जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए भी किया करें, और अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें, फिर दुनियावी मकासद और जरूरियात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह से दुआ किया करें। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस वजीफे को करना किस तरीके से है, कौन से कलीमात पढ़ने हैं, ध्यान और तवज्जो से सुने। आपने 8, 9 और 10 रमजानुल मुबारक वाले दिन एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है, एक मुट्ठी भर चावल लेने हैं, और एक मुट्ठी भर ही आटा लेना है। चीनी, चावल और आटा, तीनों चीजें आपने एक मुट्ठी भर लेनी है और आपने अलग अलग प्लेट में डाल लेनी है। जब आपने अलग अलग प्लेट में इन चीजों को डाल लेना है तो आपने नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर अदा करने के बाद वो प्लेटें आपने अपने सामने रख लेनी है, जाए नमाज पर रख लेनी है। 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सिर्फ 3 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है, इस दुआ को पढ़ना है। यमन लाहू वजहुन ला यबला व नूरुन ला युत्फा व इस्मुन ला युन्सा व बाबुन ला युगलकु व सित्रुन ला युहताकु व मुल्कुन ला यफना असअलुका व अतवस्सलु इलैका बिजाही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तक्ज़िया हाजती व तुअतियानी मसअलाती। इन कलिमात की फजीलत ये है कि अल्लाह का एक नेक बंदा हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह की सोहबत में रहता था। एक दिन मैंने अर्ज किया, हजरत मुझे अल्लाह का वो इस्म आजम सिखा दें जिससे जब दुआ की जाए अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, और जब इससे मांगा जाए तो रब्बे करीम अता फरमा दे। तो आप रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुबह शाम ये कलिमात कहा करो, जो खौफ ज्यादा शख्स इन कलिमात के साथ दुआ करेगा इसको अमन मिलेगा, जो शख्स कोई चीज मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे जरूर अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने इस दुआ को, इन कलिमात को सिर्फ 3 मरतबा ही पढ़ना है। आप चाहें तो 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को पढ़ लें। अगर आप सुबह शाम ये वजीफा, ये दुआ नहीं पढ़ सकते तो आप नमाज असर अदा करने के बाद सिर्फ 3 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, तो फिर आपने उन चीजों पर फूंक मार देनी है जो आपके पास मौजूद होंगी। फूंक मारने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है। अगर आपके पास चावल हैं तो चावल ले लें, चीनी है तो चीनी ले लें, आटा है तो आटा ले लें। अगर आप तीनों चीजों को एक एक मुट्ठी भर लेकर उन पर दम करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेंगे तो रब्बे करीम आपकी दुआओं को बहुत जल्द सुनेगा, क्योंकि जो चीजें आपने दम करनी है उन चीजों को आपने सदका कर देना है कीड़े मकोड़ों के लिए। उन चीजों को किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे रिज़क की बेहुरमदी ना हो, यानी किसी कच्ची जगह पे आप चावल,
चीनी और आटे को डाल दें। अगर कच्ची जगह आपको कहीं नजर नहीं आ रही तो आपको चाहिए अपने घर की छत पे किसी साफ जगह पे ये चीजें डाल लें और वहाँ से चिरिंद परिंद कीड़े मकोड़े खाएं। आपको और हमें दुआएं दें। याद रखें, जिस घर से चिरिंद परिंद खाते हैं उस घर में बहुत ज्यादा बरकतें आती हैं, क्योंकि चिरिंद परिंद भी अल्लाह से आपके लिए दुआएं करते हैं। और कीड़े मकोड़े अगर खाएंगे तो कीड़े मकोड़े भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपके रिजक और दौलत की कुशादगी के लिए, उम्र की दराजी के लिए, कारोबार में खैर बरकत के लिए दुआ मांगेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजान मुबारक का पहला अशरा खत्म होने से पहले आप 3 दिन ये वजीफा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों, बरकतों और नेमतों का हकदार ठहराएं और अल्लाह की रहमतें समेट लें। बहुत ही आसान कलिमात हैं, लेकिन इनकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। नमाज असर के बाद सिर्फ 3 मरतबा ये दुआ पढ़े और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। रब्बे करीम फिर देखें आप पर किस तरह मेहरबान होता है। जिस मकसद में कामयाबी के लिए दुआ मांगेगा उस मकसद में आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, बशर्ते ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इन कलिमात को आपने पहला अशरा खत्म होने से पहले पहले यानी 8, 9 और 10 रमजानुल मुबारक वाले दिन करके अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल होना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।